सीडीएसएल में लगातार गिरावट, लोग परेशान क्यों? क्योंकि इसे एएसएम लिस्ट में डाल दिया गया है। एएसएम लिस्ट यानी शेयर में सट्टेबाजी को रोका जा सके, जिस शेयर में ज्यादा तेजी होती है ना वहां पे ऐसा किया जाता है। इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं हो सकती है, 100% मार्जिन भरने पर ही खरीद सकते हैं, डीमैट में शेयर होने पर ही बेच सकते हैं, और साथ में इसमें 5% का सर्किट किया जा सकता है। तो ये वो रीजन है जहां पे नीक है, बट अच्छा स्टॉक है, गिरने दीजिए, मौका है नीचे में लेने का।